फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। हाँ, ये है अंडे और चिप्स की रेसिपी। जब भी हम सोचते हैं कि नाश्ते में कुछ अलग और मज़ेदार खाने का मन होता है तो अंडा और चिप्स हमारे मन में सबसे पहले आ जाता है। ये रेसिपी उन सभी लोगों के लिए है जो अंडे और चिप्स खाकर बोर हो चुके हैं। तो चलिए आज हम अंडे और चिप्स को साथ में मिलाकर एक कुछ नया ही मज़ेदार नाश्ता बनाकर रेडी करते हैं। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने के लिए हम अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है। ये मैंने 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट लिया है। इस पैकेट को हमें ओपन कर लेना है ऊपर से। हम ये रेसिपी इसी पैकेट के अंदर बनाने वाले हैं आज। अब देखिए चिप्स है ना, चिप्स को हमें बहुत ही अच्छे से क्रश कर लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है हमें चिप्स को। हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसको क्रश कर लेते हैं। अभी देखिए बॉटल है तो बहुत ही अच्छे से क्रश करना होगा हमें इसको। इसके बाद हम इसके अंदर अपनी कट की हुई वेजिटेबल्स को भी इसी पैकेट के अंदर ऐड कर लेना है। वेजिटेबल्स हम अपने पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च या फिर कैरेट, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो। इसके बाद हम इसी पैकेट के अंदर एग ऐड करेंगे। मैं इस 10 रुपये के पैकेट के अंदर 2 एग ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप किसी भी फ्लेवर का चिप्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैजिक मसाला का चिप्स यूज़ किया है। चिप्स के अलावा आप यहाँ कुरकुरा भी ले सकते हैं। कुरकुरों के साथ भी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इस एग को और बाकी के चिप्स और सब्जियों को हम प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर देना है। सभी को हमें बहुत ही अच्छे से प्रेस करते हुए मिक्स करना है। अभी देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करने के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर इसको अच्छे से बंद करके एक रबर भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से फोल्ड कर कर। मैं इसको स्टैपल कर रही हूँ स्टैपलर से, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। बस हाँ, हमें इसको अच्छे से कवर करना होता है क्योंकि हम अब इसको बॉईल करने वाले हैं पानी के अंदर। तो कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि अंदर से पानी ना चला जाए। हमने एक बर्तन पर पानी गर्म कर लिया है। अब इस पानी के अंदर हमें इस पैकेट को डाल देना है और हम 10 मिनट के लिए इसको बॉईल होने देंगे। स्टार्टिंग में गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद हमें मीडियम कर देना है। तो देखिए अभी काफ़ी अच्छे से पक चुका है 10 मिनट में। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम ऊपर से इसको कट कर देंगे एक सीजर की मदद से। आराम से इसको हमें कट करना है ऊपर से चिप्स के पैकेट को। हमें इसमें ना ही कोई ज़्यादा बर्तन यूज़ करना पड़े और पैकेट के अंदर ही हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। गर्मा गर्म चिप्स और अंडे का ब्रेकफास्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। हम इसको प्लेट में इस तरीके से निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। इसको आप अपनी पसंद की चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कट करके देखते हैं तो देखिए बहुत अच्छे से ये अंदर से पक चुका है। जब भी आपका कुछ डिफरेंट खाने का दिल करे आप इस रेसिपी को फटाफट बनाकर कभी भी रेडी कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।